नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अभय प्रताप और आप देख रहे हैं एपी ड्राइंग। तो दोस्तों, आज हम आपको एक्स वाई और जेड लेटर की हेल्प से बहुत ही आसानी से गांव का एक सुंदर सा चित्र बनाना सिखाएंगे। जी हाँ दोस्तों, वो भी नदी के साथ। बस आप वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखते रहिएगा। यहाँ पर आपको एक्स लेटर लिखना है। एक्स लेटर लिखने के बाद दोस्तों, आप बहुत ही आसानी से यहाँ पर एक वाई लेटर लिख दीजिएगा। हो सके तो आप हमारे साथ ही बनाते रहिएगा। फिर गाइज, आपको इस साइड एक जेड लेटर लिखना होगा। इधर आप ऐसे लिख देंगे। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, पहले आप एक स्ट्रेट लाइन पेंसिल की हेल्प से ड्रॉ कर लीजिएगा। इधर एक्स, एक वाई, इसको इस लाइन के साथ आप टच कर देंगे। टच करने के बाद दोस्तों, एक आप इसको थोड़ा सा और आगे की तरफ बढ़ाएंगे, हल्की सी एक तिरछी लाइन ड्रॉ करिएगा। सेम प्रोसेस आपको इधर भी ऐसे रिपीट करना होगा। यहाँ पर बढ़ाएंगे, इसको भी आप ऐसे नीचे की तरफ मिलाइएगा। यहाँ पर हम ऐसे नीचे की तरफ आसानी से मिला देंगे। एक छोटा सा यू लेटर, एक यू लेटर आप यहाँ पर भी ऐसे ड्रॉ कर देंगे। एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करिएगा, देखिए कितना आसान है दोस्तों। यहाँ से ऐसे बढ़ाएंगे, हल्की सी तिरछी लाइन ड्रॉ करते हुए नीचे की तरफ बढ़ाइएगा। सेम प्रोसेस आपको इधर भी ऐसे रिपीट करना होगा। एक लाइन यहाँ पर बढ़ाइए, फिर इधर से आप तिरछा कर देंगे। अगर गाइज आप चाहते हैं कि हम कोई और ड्राइंग बनाएं, तो भी आप हमें कमेंट करिएगा, हम आपके लिए ड्राइंग आसानी से बनाना सिखा देंगे। इधर आपको एक विंडो बनाना होगा, एक विंडो हम इधर ऐसे बना देंगे। विंडो बनाने के बाद दोस्तों, जस्ट बीच से ही वाई से आपको एक ट्री बनाना होगा। इधर आप ऐसे बढ़ाएंगे, एक लाइन इधर ड्रॉ करिएगा, डबल कर देंगे। ध्यान से देखिएगा, इधर भी आप ऐसे डबल कर देंगे। डबल हो जाने के बाद दोस्तों, आगे के सिरे से भी आप ऐसे डबल करेंगे, यहाँ पर भी आप ऐसे डबल कर दीजिएगा। तीनों सिरे पर आप ऐसे डबल डबल लाइन ड्रॉ कर देंगे। यहाँ पर आप ऐसे छोटे छोटे हाफ हाफ सर्किल बनाइए, यहाँ पर भी कर दीजिएगा। और गाइस, आपसे एक और छोटा सा क्वेश्चन है, आप हमें ये कमेंट करके बताइएगा कि आप कौन सा कलर यूज़ करते हैं। हमसे कई बार लोगों ने पूछा कि सर आप कौन सा कलर यूज़ करते हैं, तो हम आपको बता दें, हम जो है डोम्स एक ब्रश पेन है दोस्तों, ये यूज़ करते हैं, और कभी कभी कैमलिन ब्रश पेन भी यूज कर लेते हैं, बहुत ही अच्छा रहता है। फिर गाइस, आपको इस जेड लेटर की हेल्प से यहाँ से एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करना है। इधर भी आप ऐसे लाइन को ड्रॉ कर दीजिएगा। एक लाइन यहाँ पर बढ़ाइए, एक छोटी सी लाइन इधर, इसको ऊपर की तरफ करेंगे। यहाँ से आप इस तरह बढ़ाइएगा, छोटे छोटे आप सर्किल बनाएंगे, एक लाइन ड्रॉ करेंगे, एक झंडी बना दीजिएगा। हम यहाँ पर इसकी हेल्प से एक टेम्पल बना देंगे। एक लाइन इधर नीचे की तरफ, फिर यहाँ पर बढ़ाइएगा, इसको आगे की तरफ आप आसानी से बढ़ा देंगे। ऊपर गाइस आप डबल लाइन ड्रॉ कर दीजिएगा, तो ये हमारा एक टेम्पल भी बन के तैयार हो गया। अब गाइस, आपको एक्स लेटर की हेल्प से क्या करना है, इसकी हेल्प से हम एक कोकोनट ट्री बना देंगे। यहाँ से डबल करिए, ये वाला सिरा भी आप ऐसे डबल कर दीजिएगा। एक लाइन इधर नीचे की तरफ, फिर ऊपर इधर बढ़ा दीजिए। सेम आप यहाँ पर भी ऐसे रिपीट कर दीजिएगा दोस्तों, ये हो जाएगा आपका। फिर आपको आगे के सिरे पर छोटी छोटी लाइन ड्रॉ करना होगा। इधर भी आप ऐसे लाइन ड्रॉ कर देंगे, तो ये हमारा कोकोनट ट्री बनकर तैयार हो जाएगा। अभी पूरा नहीं हुआ दोस्तों, थोड़ा सा समय लगेगा, तो आप टाइम बिल्कुल दीजिएगा दोस्तों, स्किप करके बिल्कुल भी मत जाइएगा। अब आप ध्यान से देखेंगे, यहाँ से आपको हल्की सी एक तिरछी लाइन ड्रॉ करना होगा। इधर से हम मिलाएंगे, यहाँ से बढ़ा दीजिएगा, फिर इस वाले सिरे से भी आपको एक तिरछी लाइन ड्रॉ करते हुए इधर ऐसे मिलाना होगा। एक लाइन आप इधर ऐसे ड्रॉ करेंगे, इसको भी मिला दीजिएगा, फिर इधर लाइन ड्रॉ करिएगा, एक यहाँ पर ऐसे कर दीजिए। जैसे जैसे आप यहाँ पर आते जाएंगे, इसी तरह आप इसका डिस्टेंस जो है थोड़ा ज़्यादा कर दीजिएगा। इधर भी बढ़ाएंगे, एक लाइन हम यहाँ से ऐसे ड्रॉ कर देंगे। और गाइज, आपको यहाँ पर देखिएगा, छोटी छोटी लाइन ड्रॉ करना होगा, इधर से छोटा रहेगा। जैसे आप इधर आएंगे आगे के साइड में, वहाँ पर हमारा लाइन बड़ा होता जाएगा दोस्तों। यहाँ से बड़ा कर दीजिएगा, आपको यहाँ से भी एक तिरछी लाइन, पतली सी लाइन ड्रॉ करना है। इधर से भी आप ऐसे बढ़ाते हुए यहाँ से ऐसे आगे की तरफ बढ़ा दीजिएगा। इसको ऊपर के साइड में कर देंगे, तो आपका क्लियर दिखने लगेगा। इसको भी मिलाइए,
यहाँ से जो हमने एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ किया था उसकी हेल्प से हम स्ट्रेट लाइन पूरा ड्रॉ कर देंगे, यानी डार्क कर देंगे। इधर से हम बना देंगे माउंटेन दोस्तों, यहाँ से ऐसे ऊपर की तरफ करिएगा ये हो जाएगा, यहाँ से भी इसको ऐसे टच कर देंगे। इधर आपको सन भी बना देना है, सन बनाने के बाद जस्ट बगल में ही हम ग्रास बना देंगे, इधर भी ऊपर के साइड में कर देंगे। सेम आप इधर भी ऐसे रिपीट कर दीजिएगा। इस साइड आप कुछ स्टोन बना देंगे, यहाँ पर भी आप ऐसे कुछ पत्थर बना दीजिएगा दोस्तों। ऊपर के साइड में भी ग्रास आप बना देंगे, यहाँ पर भी ऐसे आप ग्रास बना दीजिएगा। ग्रास बनाने के बाद देखिएगा ध्यान से, आपको यहाँ से एक सरफेस बनाना होगा। इधर से हल्का सा अंदर बाहर की तरफ करते हुए यहाँ पर बढ़ाइए, सेम आप इधर भी ऐसे रिपीट करते जाइएगा, यहाँ तक ऐसे आप बढ़ा देंगे, ये हमारा सरफेस हो जाएगा दोस्तों। और ये वाला सिरा हमारा रिवर हो जाएगा, रिवर बना, ये तो रिवर हो ही गया है। आपको इसमें एक बोट भी बनाना होगा दोस्तों। स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे, हल्की सी तिरछी लाइन, यहाँ से भी ऐसे लाइन तिरछी ड्रॉ करिएगा, एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे, ऊपर के साइड से एक लाइन ड्रॉ करिएगा, यहाँ से ऐसे मिला दीजिए हल्का सा बाहर की तरफ करते हुए, यहाँ पर हम ऐसे मिला देंगे। देखिए कितनी आसानी से हमारा एक्स वाई और जेड लेटर की हेल्प से खूबसूरत सा विलेज सीनरी बन के तैयार हो गया दोस्तों। तो चलिए अब हम इसको कलर भी करना सीख लेते हैं।
Thank you.